डिस्कस करेंगे सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 एग्जाम के लिए, जो आपका पेपर नंबर 3 है, बेसिक्स मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स। इसका एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी। जैसा भी आपको पता है कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, और बहुत सारे बच्चे जिनके 11 12th में मैथमेटिक्स नहीं होता उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और वो बच्चे नर्वस रहते हैं और उनको डाउट रहता है कि इस एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हम एबीसी एनालिसिस लेके जाए हैं। इसमें ये बताया हुआ है कि कौन से चैप्टर ईजी हैं जिसको पढ़कर आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, उसको हमने ए कैटेगरी में रखा हुआ है। कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ है जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, मार्क्स का वेटेज भी ज़्यादा नहीं है, इस चैप्टर को हमने सी कैटेगरी में रखा है, और बाकी चैप्टर्स जो है मॉडरेट कैटेगरी के हैं वो बी कैटेगरी में है। इसका पर्पज ये है कि अगर आप पूरा सिलेबस नहीं कर पाओ या कुछ स्टेप जो टफ चैप्टर हैं वो आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कम स्टडी करके भी मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ में क्लियर कर सकते हैं। तो ये एबीसी एनालिसिस जो है ये हम हर साल देते हैं, और वीएसआई के टेलीग्राम ग्रुप पे डलता है, टेलीग्राम चैनल पे डलता है। इसका वीडियो आप देख रहे हो, और पीडीएफ जो है वो वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। अब वीएसआई के टेलीग्राम चैनल से वीएसआई टेलीग्राम चैनल सर्च करोगे vsi.vsi.official तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको सर्च करके ले सकते हैं। अब पिछली बार जैसे हमने 29 अप्रैल 2023 को डाला था एबीसी एनालिसिस, उसका लिंक दे रखा है, आप सर्च करोगे तो हमने बताए थे कि ये ए कैटेगरी में 73 मार्क्स के आएंगे, बी में 19 मार्क्स के आसपास के आएंगे, ए और बी में 92 के आएंगे, 8 के सीमे से आएंगे और 100 के टोटल आएंगे। और जो वास्तव में एग्जाम हुई उसमें जो मार्क्स का आया हुआ है ये है कि ए कैटेगरी में 69 के आए, बी में 23 के आए, ए और बी में 92 के आए, 92 ए और बी बताया था, 92 के ही आए हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये 8 मार्क्स के सीम बताए थे और 8 के आए। ये जो वास्तव में क्वेश्चन आए ये मेमोरी बेस है, जो स्टूडेंट्स की मेमोरी के बेसिस पे हम प्रिपेयर करते हैं, वो मेमोरी बेस पेपर आपको वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पर मिल भी जाएगा जो June 23 में आया था, और उसी के बेसिस पे तो हो सकता है कि 2-3 नंबर ऊपर नीचे हों, इससे ज़्यादा का वेरिएशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इससे आप सोच सकते हो कि ए और बी कैटेगरी में एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है, यानी ए और बी में से लगभग 92 मार्क्स से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, हो सकता है 2-3 नंबर कम के आ जाएँ, ज़्यादा के आ जाएँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इस पर रिलाई कर सकते हो। ये हर बार ही हम डालते हैं और हर बार का ही एक्यूरेसी लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब कौन कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में, कौन से बी के, कौन से सी में हैं, तो हम ए कैटेगरी की बात करें तो पहले बेसिक्स मैथमेटिक्स में ए कैटेगरी जो चैप्टर है उसमें चैप्टर नंबर 1 में है रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस, यानी इसके 4 पार्ट है, 3 इसमें है। चैप्टर नंबर 4 का है 2 पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। चैप्टर नंबर 2 का है इक्वेशंस, इसमें लीनियर एंड क्यूबिक। चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इनइक्वालिटीज। चैप्टर नंबर 6 है सिक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दोनों इसमें ए कैटेगरी में है। और चैप्टर नंबर 7 है सेट फंक्शन रिलेशनशिप, इसमें सेट और रिलेशन है, दोनों ए कैटेगरी में है। लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 जो है सारे के सारे ए कैटेगरी में ही है। स्टैटिक्स है, इसका चैप्टर नंबर 14 पूरा ए कैटेगरी में है। 15 के 2 यूनिट है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, दोनों ए कैटेगरी में है। 18 है कोलिशन एंड रिग्रेशन, 19 है इंडेक्स नंबर, ये ए कैटेगरी में। तो ए कैटेगरी के चैप्टर्स का वेटेज लगभग 73 मार्क्स का है, और ईजी है, अगर आप ज़्यादा भी नहीं पढ़ते तो 73 मार्क्स का ढंग से तैयार कर लोगे तो उसका मतलब है कि आप पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। फिर भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो आप बी कैटेगरी में आ जाओ। बी कैटेगरी की बात करोगे तो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, उसमें 4 पार्ट थे, उसमें से 3 वहाँ ले लिया था, 1 पार्ट यह है लॉग। चैप्टर नंबर 4 है, उसमें 2 पार्ट वहाँ ले लिया था, एक एनुटी है वो यहाँ पे है। चैप्टर नंबर 2 है, वहाँ पे 2 पार्ट वहाँ गए थे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो यहाँ पे है बी कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 5 है वो पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सब यहाँ पे है, और 7 है ये फंक्शन जो है वो यहाँ पे दे रखा है बी कैटेगरी में, और साथ में स्टैटिक्स का जो प्रोबेबिलिटी है वो बी कैटेगरी में दे रखा है। तो इस तरीके से
ई और बी कैटेगरी में बात करें तो बी कैटेगरी 19 मार्क्स की है, ई और बी कैटेगरी की बात करते हैं तो 73+19 यानी 92 मार्क्स के क्वेश्चन ए और बी कैटेगरी में आएंगे। अब तो ये जो तीन चैप्टर है जो सबसे टफ कैटेगरी में आते हैं, अब ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉर्मली 4 to 7 का आता है तो एवरेज 5 मार्क्स मान सकते हैं। साथ में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कैलकुलस है वो 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मान लो कि ये सी कैटेगरी में है, ये जो टफ चैप्टर है ये टोटल 8 के हमने बताए, ज़्यादा 10-12 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे से ज़्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप ये जो टफ चैप्टरों को आप छोड़ सकती हो अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो स्पेशली जो नॉन मैथ वाले बच्चे हैं वो इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बच्चों ए बी सी एनालिसिस के हिसाब से वर्किंग करो, आप पहले ए कैटेगरी के चैप्टर पढ़ो, फिर बी के पढ़ो, फिर सी के पढ़ो। अब जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन पूरा नहीं कर सकते हो तो जो करोगे वो अच्छी स्ट्रॉन्ग चीज़ें करो जिससे कि अच्छे मार्क्स आपके आएँ। तो इस तरीके से वर्किंग करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये PDF और जो आप अपने दोस्तों को शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा का बेनिफिट मिले, और ये वीडियो भी आप दूसरों को शेयर करो जिससे कि उसका बेनिफिट लोगों को मिले। ठीक है बच्चों, थैंक यू।